नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद पवार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल टुडेज नॉलेज डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्रेडिट कार्ड को सही में यूज कैसे करें। ओके, यानी क्रेडिट कार्ड को यूज करने का सही तरीका, अदरवाइज क्रेडिट कार्ड आपको बर्बाद करके भी छोड़ सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले कि क्रेडिट कार्ड को सही में यूज कैसे करें और यूज करने का जो रियल तरीके है वो कैसे है। ओके, तो यानी हम क्रेडिट कार्ड को कैसे यूज करेंगे। तो दोस्तों, आपको मेरे साथ बने रहना है वीडियो में स्टार्ट से लेकर आखिर तक विदाउट स्किप किए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद पवार और आप देख रहे हैं टुडेज नॉलेज डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, आज हम बात करने वाले क्रेडिट कार्ड को यूज करने का सही तरीका। सबसे पहले आप लोगों को चार चीजें पता होनी चाहिए कि आपकी क्रेडिट कार्ड का क्या है। ओके, पहला आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट, आपकी क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट क्या है। कभी कभी क्या होता है, आपके क्रेडिट कार्ड में 8,000 रुपए रहते हैं और आप परचेस कर लेते हो 9,000 का, वहां से तो डिडक्ट हो जाता है। ओके, 9,000 रुपए आपको क्रेडिट कार्ड देता है, ये इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन आपका माइनस बैलेंस हो जाता है और उसका आपको कम से कम 700 या 800 रुपए आपको चार्जेस लगा देती है आपकी जो पर्टिकुलर बैंक होती है। तो दोस्तों, इस चीज को आपको हर टाइम आप लोगों को रिमेम्बर रखना चाहिए कि आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी है जो आपको यूटिलाइज करने वाले हो। तो उसके साथ साथ आपको क्रेडिट कार्ड का ये हो गया पहली चीज। दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपकी बिलिंग साइकिल, यानी आपका बिल जनरेशन का जो डेट होता है वो आप लोगों को पता होना चाहिए, यानी 100 डेट को आपका बिल जनरेट होता है। दैट्स मीन आप लोगों को आप अवेयर हो आपकी क्रेडिट कार्ड से रिगार्डिंग, और आपके क्रेडिट कार्ड पे जो भी कोई एक्टिविटीज आप करने वाले हो उससे आप लोग अवेयर हो, आप लोगों को पता है। और तीसरा आपका ड्यू डेट तो सभी को पता होता है क्योंकि भाई बिल पे करना होता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड का जो बिलिंग साइकिल होते हैं या जो आपका स्टेटमेंट जनरेशन डेट होता है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम बड़ी चीजें परचेस करने की सोचते हैं, जैसे कि कोई मोबाइल परचेस करे 10-15 हज़ार का, तो हम क्या करते हैं, अपना अभी मेरा बिलिंग जनरेट जो डेट है बिलिंग डेट वो 26 है या 15 तारीख में कंसीडर करता हूँ कि 15 तारीख मेरा बिलिंग डेट है, तो कभी भी मैं बड़ी चीज लेने की सोचूंगा कि 16 से 20 के बीच में ही लूंगा, क्योंकि मुझे 45 डेज मिल जाता है कि उस बिल को पे करने के लिए। ओके, यानी पूरा मैं क्रेडिट कार्ड का जो क्रेडिट कार्ड ने जो मुझे टाइम दिया, जो बैंक ने मुझे टाइम दिया जो यूटिलाइजेशन का, तो उसको मैं पूरे पूरे बेनिफिट ले रहा हूं। कभी कभी क्या होता है, मेरा बिलिंग डेट है 15 तारीख और मेरा ड्यू डेट है 5 तारीख। ओके, तो बीच में 20 दिन का ये डिफरेंस रहता है। मैं क्या करता हूँ, 14 तारीख को ही मोबाइल परचेस कर लिया, 15 तारीख को मेरा बिल जनरेट हो गया और 20 तारीख और 5 तारीख को मुझे पे करना है, यानी मुझे सिर्फ 20 दिन मिले, 20 दिन के अंदर मुझे पैसे पे करना होगा। तो उससे अच्छा है कि आप लोग इस चीज को ध्यान में रखो कि आपको बिल जनरेट का जो डेट है वो पता होना चाहिए। जब आपका बिल जनरेट होगा उसके बाद आपको 1-2 दिन में आपको बड़ी चीजें परचेस करना है, अदरवाइज तो आप बाकी के तो छोटी मोटी चीजें आप परचेस करो उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ये हो गया दूसरा। तीसरा होता है मिनिमम ड्यू। तो दोस्तों, कभी कभी हमारा बिल होता है 12,000-10,000 और हमें ड्यू आता है 1,200-1,300 रुपए हमें बिल ड्यू आता है, तो हम क्या करते हैं यार, चलो मिनिमम ड्यू पे कर देते हैं तो हमें कोई चार्जेस नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, ये हमारा थिंकिंग पावर। ओके, हम इतना सिर्फ सोचते हैं कि हमें कोई चार्जेस नहीं लगेगा। तो दोस्तों, आपको चार्जेस क्या नहीं लगेगा, जो लेट फी का चार्जेस होता है वो आप लोगों को नहीं लगेगा, जो ओवर ड्यू होता है वो उसका चार्जेस आप लोगों को नहीं लगेगा, लेकिन उस चीज के ऊपर आपको इंटरेस्ट जरूर लगेगा, क्योंकि आपका जो मिनिमम ड्यू होता है, जैसे कि आपको 1,200 रुपए बताया गया, उसमें आपको कम से कम 400 या 500 रुपए आपको मिनिमम ड्यू में आपका इंटरेस्ट इंक्लूड रहता है, यानी आपको 700 रुपए आपका उसमें से फिगर आउट होता है। आप कभी भी इस चीज को आपको यानी पता करना है तो आप क्या करो, कभी भी आपका मिनिमम ड्यू आता है, ओके, उस समय आपकी क्रेडिट लिमिट चेक कर लो और आपका जो करंट बिल आया वो चेक कर लो और आप मिनिमम ड्यू पे कर दो और उस महीने आप कोई ट्रांजेक्शन मत करो। अगली बार आपको सिर्फ 200-300 रुपए का ही करंट बिल का और उस जो प्रीवियस बिल था उसमें सिर्फ 200-400 रुपए का ही डिफरेंस मिलेगा, बाकी के पैसे आप बोलोगे कि यार मैंने तो 1,200 रुपए पे किया था कि कहां गया, तो उस चीज में आप लोगों को बता दूं कि आपका पैसा वो इंटरेस्ट में चला जाता है। तो दोस्तों, इंटरेस्ट और फाइनेंशियल चार्जेस ये बैंक आपसे लेती मींस लेती ही है, इसमें कोई नहीं कि आपको बोल दिया कि मिनिमम ड्यू पे कर दिया, तो मिनिमम ड्यू में सिर्फ आपको लेट फी चार्जेस जो ओवर ड्यू हो जाता है उसका चार्जेस आपको बख्शा जाता है। तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि 10,000 रुपए आपका बिल पे करना है, आपके लिमिट को यूज करके आपको हमारे चैनल पे आप देख सकते हो, बहुत सारे आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, उसके थ्रू आप लोग अपना क्रेडिट कार्ड का पैसा बैंक में ट्रांसफर कर लो और उसे बिल पे कर दो, और क्रेडिट कार्ड का बिल क्रेडिट कार्ड से कैसे पे करना है ऐसे भी वीडियो आप लोगों को हमारे चैनल में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप उस वीडियो को देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई। उसके बाद तीसरा, तो दोस्तों कभी कभी हमें एक गंदी आदत लग जाती है कि क्रेडिट कार्ड है तो
खर्चा करो। ओके, तो कभी कभी हम क्या करते हैं कि लिमिट से ज्यादा हम यूटिलाइजेशन कर देते हैं कि सोचो मुझे घर में एक चीज लेनी। ओके, अभी देखिए मैं आप लोगों को, मैं एक यूट्यूबर हूं, मुझे एक जो आप बोल रहे कि लाइट लेनी। ओके, लाइट्स का पूरा चार्जेस है कम से कम 1500 या 2000 के तकरीबन चार्जेस है। तो मैं क्या करूंगा यार, चलो लाइट ले लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा जो वीडियो होगा अच्छी क्वालिटी में आएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो मेरी वीडियो की क्वालिटी अच्छी है, इतना ये नहीं कि जो मेरा सैमसंग का जो मोबाइल है उसकी क्वालिटी आप देख सकते हो, जो मेरे वीडियो आप लोगों को देखने को मिल रहा है DSLR जैसी ही क्वालिटी, ऐसा नहीं कि थोड़ा कम ज्यादा। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि लोग DSLR परचेस करने की सोचते। देखो भाई आपके पास जितना है, अभी देखो मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, चलो यार DSLR में परचेस कर लेता ऐसा मुझे लगेगा, लेकिन सोचो DSLR आप परचेस कर लोगे उससे भी आपका वीडियो बनने वाला है, इससे भी बनने वाला है, यानी जो चीजों के आप लोगों को जरूरत है उसे ही परचेस करो। लेकिन क्रेडिट कार्ड को हम क्या करते हैं, हमारे पास क्रेडिट कार्ड है, हम उस समय सोचते हैं कि यार मेरा पैसा कहां जा रहा है, लेकिन जब बिल आता है उस समय हमें पता चल जाए कि यार पैसा तो मेरा ही जा रहा है। ओके, तो इस चीज को आप ध्यान में रखो। कभी कभी आप क्या करते हो, 3 महीने 4 महीने के लिए आप EMI पे मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रिकल जो भी चीजें होते हैं परचेस करते हो, उस पर आपको तकरीबन 1000 रुपए तो चार्जेस लग जाता है। तो उस समय के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग कभी भी उसे EMI पे मत पे करो, क्योंकि आपका पूरा बैलेंस तो क्रेडिट कार्ड से कट जाता है, सिर्फ बिल आप EMI के थ्रू पे कर सकते, यानी 10,000 के आप समझो कि 12,000 आपका है, 11,000 की अपनी चीज परचेस की, 1,000 रुपए आपको इंटरेस्ट, 12,000 आप 4 महीने 3 महीने में आपको 4,000 रुपए पे करना है। ओके, यानी आपने कितना पे करा, 11,000 का 12,000 पे करा। उसी चीज को आप यदि ये सोचो आप क्या करोगे, अब देखो कि आपने 15 तारीख आपका बिलिंग डेट है, 16 तारीख को आपने वो चीज परचेस की। ओके, चीज परचेस की तो आपको 11 में मिल गया, आपका 11 ही यूटिलाइज हुआ, आपको अगले महीने के यानी 45 डेज के बाद आपको पे करना होता है। ओके, उससे पहले आपका देखो आपका बिल उससे पहले जनरेट हो गया। ओके, तो बिल जनरेट हो गया तो आप उसमें क्या किया, 4,000 आप पे कर दिया, आपका सिर्फ 8,000 ही क्रेडिट कार्ड को आपको रिटर्न करना है। जब आपका दूसरा बिल पे जनरेट होगा उस समय आपका EMI आता है। ओके, तो उस समय आपको और 4,000 पे कर देना होता है, आपका सिर्फ 4,000 ही रह जाता है। मीन्स आप लोग सोचो कि आपका 2 EMI पे हो जाता है जब तक आपका ये EMI जनरेट नहीं होता। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग इस चीजों को ध्यान रखो, आप लोग आपके क्रेडिट कार्ड को यूटिलाइज करो तो इन चीजों के आप गौर करोगे तो आप लोगों का फायदा बेनिफिट जरूर होगा। दोस्तों आपको अभी फिलहाल कंपनी कोई भी प्लेटफॉर्म या कोई भी बैंक आपको एक चीज बताएगी कि नो कॉस्ट EMI। तो दोस्तों नो कॉस्ट EMI ये कोई ये नहीं रहता कि आपके आपसे कोई कॉस्ट नहीं लिया जाता, आपसे कॉस्ट तो लिया ही जाता है, ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है बैंक की कोई ऑफर रहती है। ओके, तो उस ऑफर को नो कॉस्ट EMI में कन्वर्ट कर दिया जाए, जैसे कि आपको 15,000 का मोबाइल है, आपको 1,500 उसमें कैशबैक मिलने वाला है, तो उस समय बैंक क्या करेगी, चलो यार इसे नो कॉस्ट EMI दे दो, जो प्लेटफॉर्म की तरफ से ऑफर आ रहा है वो बैंक खुद रख लेगी और आपको जो ट्रांजेक्शन पे जो भी कोई चार्जेस लगने वाला है वो आपको छूट दे देगी, मीन्स घुमा फिरा के आपको वही दिया जाता है। तो दोस्तों इन चीजों का ध्यान रखो कि आपको क्रेडिट कार्ड को यूटिलाइज करते समय किन किन चीज का ध्यान रखना है। कभी भी आप लोगों को आपका क्रेडिट कार्ड का जो बिल, जो नंबर रहता है, जो पिन रहता है, जो OTP रहता है, कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप क्रेडिट कार्ड को यूज कर रहे हो तो कहीं पे भी सेव नहीं रखना है आपका क्रेडिट कार्ड। गूगल में आप जब क्रोम में जाओगे तो क्रोम में भी आपको पासवर्ड सेविंग का जो ऑप्शन दिखाई देता है उसमें भी आप लोगों के कई सारे चीजें सेव रहते हैं, उसको भी आपको डिलीट कर देना है, क्योंकि कोई ऐसी थर्ड पार्टी वेबसाइट को हम अनजाने में यूज करते हैं तो वो हमारे डेटा चुराने की कोशिश करती है, तो उसमें हमारे फाइनेंशियल डिटेल्स भी चले जाते हैं। तो इन चीजों का आप हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि आपका ये मेहनत का पैसा है और उसको आपको कैसे यूज, कैसे सेव रखना है, कैसे क्या करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दोस्तों मेरा ये की मोटो था कि आप लोगों को कुछ चीजों के बारे में अवेयर करा दे, तो ये चीजें मैं आप लोगों को बता दिया हूं। मेरे हिसाब से ये मैं इसे यूटिलाइज करता हूं, मैं इसे यूज करता हूं। ओके, तो अब भी इसे यूज करो। और कभी कभी एक बड़ी और सबसे ज्यादा एक खराब चीज जो मैंने किया है आप लोगों को बताऊं कि आप मत करना। हमें एक आदत लग जाती है कि यार चलो क्रेडिट कार्ड का बिल हम पे नहीं करेंगे, पैसे होते हुए भी हम क्या करते हैं क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं करते, क्योंकि हम नए नए तरीके खोजते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं कि यार चलो क्रेडिट कार्ड का बिल है, क्रेडिट कार्ड से निकल के पे करते रहो, यानी उसी साइकिल को हम यूज करते रहेंगे। जैसे कि मेरा क्रेडिट कार्ड की लिमिट 20,000 है, मैंने 3,000 रुपए यूज किया, मेरे अवेलेबल लिमिट हो गई 17,000। ओके, अभी मैंने 3,000 यूज किया, अगले महीने उसका बिल जनरेट हुआ, मैंने क्या किया 3,000 पे नहीं किया, मैंने क्या किया उसी क्रेडिट कार्ड का पैसा निकाला, क्योंकि मेरे पास तरीके, मैंने वही 3,000 निकाला उसमें पे कर दिया, यानी मेरा जैसे का वैसा बिल रह गया। ओके, यानी मैंने उसी ये नहीं किया, पे नहीं किया, अगले बार मैंने क्या किया कुछ परचेस करना था, मैंने और क्रेडिट कार्ड को यूज कर लिया। ओके, मेरा पैसा भी यहां से ये हो रहा था और क्रेडिट कार्ड का बिल जैसे के वैसे था, तो मैंने क्या किया और 2,000 का कुछ चीजें परचेस कर ली और अगले महीने मुझे 5,000 बिल आ गया। तो मैंने ऐसे ही करते करते मेरा 20,000 रुपए
यानी स्पेंड हो गए तो भी मुझे उसका ये नहीं लगा यार चलो इसमें से निकालो इसमें से। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो तरीके होते हैं ना ऑनलाइन पैसे निकालने के तरीके, वो कभी कभी बंद हो जाते हैं। उस समय आपको बैंक चार्ज लगा, 3,000 से 4,000 रुपए आपको चार्ज लगता है, और उस समय आपको पता चलता है कि यार मैंने क्या गलती कर दी। तो कभी भी आप याद रखो, आपका बिल छोटा रहे तो आप भर ही दो, बड़े रहे और उस समय भी आप देखो आपके पास 20,000 बिल आ रहे हैं तो उसमें आप कम से कम आपके बैंक अकाउंट से 3,000-4,000 पे करो, बाकी क्या क्रेडिट कार्ड से निकालो। मीन्स आपका जो बिल बड़ा हुआ है वो छोटा छोटा होता है और आपका जो भी ये रहेगा वो कम हो जाएगा। तो दोस्तों आज के स्टूडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करूंगा कि जो चीजें मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी आई थिंक वो समझ गई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा होता प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बी वेयर।